अभिनेता अभिषेक बच्चन 5 फरवरी को 45 साल के हो गए हैं। बॉलीवुड में अभिषेक जूनियर बी और जूनियर बच्चन के नाम से मशहूर हैं। अमिताभ बच्चन के लाडले का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। अभिषेक इंडस्ट्री के चहीते अभिनेताओं में से हैं। हालांकि उन्हें अक्सर उनके पिता अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाता है। पिता की छवि से हटकर अभिषेक ने अपनी अलग पहचान बनाई है। अकेले अभिषेक कुल 210 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मुंबई में जहां अमिताभ बच्चन 5 आलीशान बंगलों के मालिक हैं, वहीं प्रॉपर्टी के मामले में जूनियर बच्चन भी सीनियर बच्चन से पीछे नहीं है। मुंबई में अभिषेक ने 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क और दुबई में भी अभिषेक के शानदार हॉलीडे होम हैं। डालिए नजर अभिषेक बच्चन की आलीशान प्रॉपर्टी पर। बांद्रा में 21 करोड़ की कीमत का अपार्टमेंट। साल 2018 में अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन उस वक्त सुर्खियों में छाए थे जब सोशल मीडिया पर उनके नए घर की कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक ने अपने परिवार के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के हाई एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स सिग्निया आइल्स में एक अपार्टमेंट खरीदा हुआ है। अभिषेक ने ये घर साल 2015 में करीब 21 करोड़ की कीमत में खरीदा था, जिसकी कीमत आज की तारीख में काफी ज्यादा हो चुकी है। वर्ली की गगनचुंबी इमारत में अपार्टमेंट। अभिषेक बच्चन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना मुनाफे का सौदा मानते हैं। बांद्रा और जुहू के बाद वर्ली ऐसा इलाका है जहां भारी मात्रा में बॉलीवुड हस्तियों के घर हैं। वर्ली में एनी बेसेंट रोड पर स्थित स्काईलार्क टॉवर्स की 37वीं मंजिल पर अभिषेक बच्चन ने अपना अपार्टमेंट खरीदा हुआ है। इस अपार्टमेंट को अभिषेक ने साल 2015 से पहले ही खरीदा था। उनका ये घर भी काफी लग्जीरियस है। दुबई में 42 करोड़ की कीमत का विला। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने भी अपने लिए दुबई में आलीशान बंगला खरीदा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक और ऐश्वर्या का सेंचुरी फॉल्स जुमेरा गोल्फ एस्टेट में शानदार बंगला है। खास बात यह है कि अभिषेक ऐश का ये बंगला रिजॉर्ट स्टाइल में बना हुआ है। 41.14 करोड़ की कीमत में इस बंगले को अभिषेक ने साल 2013 में खरीदा था। न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क के सामने लेविश अपार्टमेंट। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अभिषेक और ऐश्वर्या का आलीशान अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट को उन्होंने 2016 में खरीदा था। अपार्टमेंट को रीडिजाइन करने और सजाने का काम ऐश्वर्या ने खुद किया था। अभी ऐश का ये घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है, जहां से सेंट्रल पार्क का बेहद दिलकश नजारा दिखता है। अभी ऐश को सेंट्रल पार्क में सैर करना बेहद पसंद है। ऐश्वर्या और अभिषेक अक्सर अपने परिवार के साथ वहां लंबी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स टीम में खरीदी है हिस्सेदारी। प्रॉपर्टी के अलावा अभिषेक ने कबड्डी और फुटबॉल स्पोर्ट्स टीम में भी हिस्सेदारी खरीदी हुई है। खेलों के शौकीन अभिषेक बच्चन कबड्डी और फुटबॉल टीमों के मालिक हैं। प्रो कबड्डी लीग में अभिषेक की जयपुर पिंक पैंथर्स नाम से कबड्डी टीम है। इसके अलावा वह इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल टीम चेन्नईयन FC के को ओनर है। चेन्नईयन FC के लिए अभिषेक बच्चन ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ पार्टनरशिप की है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।